यदि अगर कोई कंपनी हो, डोमेस्टिक हो, एमएनसीज हो या कॉरपोरेट हो, कोई यदि अगर फेल हो रहा है तो इसका रीज़न वहाँ के इंटरनल एम्प्लॉई, जो बेस लेवल के एम्प्लॉय होते हैं ना, वो नहीं होते। तो इनमें जिम्मेदार कौन होता है, तो किसको हम लाइक पूरे प्रोसेस का नासी हम किसको समझ सकते हैं? सो देर इज टू रीज़न। फर्स्ट, ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं, उनकी जो सिस्टम्स होती है, जो जो प्लान और प्रेजेंटेशन जो जो वर्क फॉलो या कॉल फ्लो जो बनाते हैं, उसकी एक। और दूसरा होता है कि आप अपने एम्प्लॉय से किस तरह से डील करते हो। आप यदि अगर आप अपने जो बेस लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके साथ यदि अगर ढंग से आप डील नहीं करोगे, तो आपको उनके तरफ से 100% कभी भी नहीं मिलेगा। वेन यू आर अनेबल टू गेट 100% फ्रॉम योर बेस लेवल एम्प्लॉयज, देन यू विल नॉट गेट द 100% प्रोडक्शन। इफ यू नॉट एबल टू गेट द 100% प्रोडक्शन, देन डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट ऑन योर प्रोडक्टिविटी और ऑन योर ओवरऑल स्कोर। इफ दैट इज नॉट देयर इन द प्लेस, देन इट विल इम्पैक्ट ऑन योर एंटायर प्रोसेस। एंड इफ इट इज इम्पैक्टिंग ऑन योर प्रोसेस, देन इट माइट हैम्पर ऑन योर ब्रांड नेम एज वेल। एंड इफ योर ब्रांड नेम गोज, देन योर एंटायर बिजनेस गॉन। और माइट बी लाइक, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रो अप वंस अगेन इन योर लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नीड टू डील इन अ प्रॉपर मैनर विथ आर बेस लेवल एम्प्लॉय। दे आर नॉट योर सर्वेंट, दे आर केम हियर द वे यू एंटर्ड इन टू द प्रीमिसेस। यू ऑल्सो गॉन थ्रू द इंटरव्यू, द हाई लेवल मैनेजमेंट पीपल, हुएवर इज देयर, लाइक यू नो, मे बी मैनेजर और प्रोसेस मैनेजर और द ऑपरेशन मैनेजर और VP और ABP और whoever it may be. If they are on that particular level, the one thing you have to get it clear, you guys are not the owner of the company. Today you there in this within a four wall, might be taken, you know, tomorrow you might work for a different company, right? So think in a that way, that like, you know, the way you have entered, similar way they are also struggling in their life. Today, after experience, after getting a lot of experience, you're there on the next level. But no worry that, like, you know, now they have started their career, your base level employees, they started their career, they are very young, they are very energetic, they are very talented. If they are unable to go ahead and do it today, like, you know, your behavior, your don't worry that, like, you know, tomorrow they will definitely grow up and they might, like, you know, go beyond your thinking. You cannot even horizon it, right? So first of all, you need to, like, you know, deal in a proper manner with your employee. When you deal with proper manner with your employee, then they will give you 100%, otherwise you have to forget your production. Secondary, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, वो लोग इस तरह से डील करते हैं जैसे कि, मतलब, आपके पास काम करने वाले लोग जो है ना, वो लेबर के जैसे हो, और अलवेज उनको, मतलब, बुरी भली गाली सुनाई देते सुनाते रहते हैं, जैसे आप सत्यानाशी हो, आप, मतलब, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, या आप काम करने योग्य नहीं हो, या यू आर द फेलियर, यू आर लाइक नाउ इट्स बिग टाइम हैम्पर ऑन माई बिजनेस, आई हैव टू शट डाउन माई बिजनेस, because of you I have to close my business, you are giving a big time loss for the organizations. So इस तरह के जो बातें हैं, बार 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 आप अपने एम्प्लॉय के सामने लेकर करते रहोगे, तो होता क्या है कि उनके माइंड में जैसे ही आपको देखते हैं, दूसरे की नेगेटिव एनर्जी वहां पे मौजूद हो जाती है। कहते हैं ना कि, मतलब, जो आप बार 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 बोलते रहते हो, वही सत्य सत्यता होती है, जो आप कहते रहोगे ना, वही बात आखिर में जीत होती है। यदि अगर आप बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप यदि अगर हर बार आप अपने एम्प्लॉयज़ को यदि अगर इस तरह के ताने मारोगे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तो किसी काम का नहीं है,
और तेरे से तो कोई आशा ही नहीं कर सकते, तेरे से तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। सो वेन यू ऑलवेज लाइक यू नो स्पीक दिस काइंड ऑफ लैंग्वेजेस इन फ्रंट ऑफ योर पीपल, तो दे विल गेट डिसअपॉइंटेड और गेट डिमोटिवेट, राइट? एंड दैट डिमोटिवेट विल इम्पैक्ट ऑन योर प्रोडक्शन, एंड दैट प्रोडक्शन विल लाइक यू नो इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। अभी देखिए होता क्या है कि आप इधर अगर जैसे हमारे में कहावत होती है कि आप इधर अगर राम 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 का अगर जप करते रहोगे तो राम जी आपको प्रसन्न हो जाएंगे, मतलब वहां पे पॉजिटिव एनर्जी वहां पे मिलेगी। आप इधर अगर ओम नमः शिवाय 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 करते रहोगे तो शिव जी आपको प्रसन्न हो जाएंगे, लक्ष्मी माते बोलोगे तो लक्ष्मी माता जी आपको प्रसन्न हो जाएगी। उसी तरह से आप इधर अगर रावण 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 करोगे तो वहां पर रावण आपको प्रसन्न हो जाएगा। यदि अगर हर बार आपके मुंह से यदि अगर आप यही एक शब्द निकालते रहते हो कि आप प्रोसेस बंद कर दोगे प्रोसेस बंद कर दोगे, आपके वजह से प्रोसेस बंद हो जाएगा, आपके वजह से प्रोसेस बंद हो जाएगा, आप सत्यानाशी हो, आप निकम्मे हो, आपसे कुछ नहीं होता, मतलब आप छोड़ के चले जाओ, इस तरह से जब आप डील करते हो तो 100% बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आप वही एक जप कर रहे हो जो कि मतलब रावण 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 करने योग्य है। तो जैसे आप बोलोगे वैसे आपको फल मिलेगा, राइट? और इस तरह के प्रोसेस में आप याद रखिएगा कि आप उस कंपनी के ओनर नहीं होते हो, आप उस कंपनी के लेबर होते हो, और आज जिस लेवल पे आप हो उसी मतलब सारी चिड़िया चिड़ते 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 आज वहाँ पे आए हो। एक दिन आपके जो बेस लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं आपसे भी कहीं ज़्यादा आगे चले जाएंगे, आप फिक्र भी नहीं कर पाओगे। यदि अगर आपके पास लोगों के साथ में डील करने का तरीका तौर तरीके देख नहीं है तो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यू नो इफ यू डोंट नो हाउ टू डील विथ ईच अदर देन यू कैन नॉट ग्रो इन योर लाइफ, दिस गोना बी अ जीरो रिकॉर्ड्स फॉर यू, ठीक है? तो आप अपने यदि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में या आप अपने इंडस्ट्रीज में या अपने यदि अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यदि अगर सक्सेस होना चाहते हो देन सबसे पहले आप अपने आप को इंटरनली मतलब पॉजिटिव एनर्जी आपको क्रिएट करके रखना है। आप यदि अगर आपके जो बॉटम कोटा के जो एम्प्लॉयज होते हैं इफ दे आर अनेबल टू परफॉर्मेंस दे आर नॉट गिविंग यू 100%, यू नीड टू गो अहेड एंड डील विद देम, बिकॉज फाइनली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, जो टर्मिनोलॉजी होगी या कंडीशंस होगी कंपनीज के, वो तो सबको फॉलो करना ही पड़ेगा, बिकॉज कंपनी चलती है रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर। यदि अगर कल के दिन कोई यदि अगर वहाँ पे वीपी है और आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई लेडीज फीमेल एम्प्लॉय को ला के यदि अगर वो मनमानी करे तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई ना कोई होता है, ठीक है? तो इस तरह से आप सबसे पहले तो मतलब ये मान के चले कि मैं भी इस कंपनी का एक और मेरे को बहुत सारे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबको साथ में लेके चलना है, क्योंकि यदि अगर सारे के सारे एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे तो आपकी कंपनी बंद पड़ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि लाइक वेन एवर यू डील विथ योर पीपल आपको सेल्फ पॉजिटिव होना है। यदि अगर आप ऊपर के जो लोग हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है यदि अगर वो पॉजिटिव रहेंगे तो आप अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो भी ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएंगे। कोई अगर काम नहीं कर रहा है तो यू गो अहेड एंड मोटिवेट देम, यू गो अहेड एंड टॉक टू देम पर्सनली, यू कॉल देम इन विद इन अ फोन कॉल एंड टॉक टू देम, टेल देम दैट यस यू कैन डू इट बट आई कैन सी दैट लाइक यू नो देयर इज एन गैप इन इंप्रूवमेंट एंड दिस इज द रीजन, सो इफ यू फिक्स दिस रीजन देन डेफिनेटली यू विल गेट 100% इन प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन। सो इफ देयर इज एन कम्युनिकेशन इज देयर विद इन योर टीम देन डेफिनेटली यू विल रीच योर सक्सेस। दिस लाइक यू नो बोलते हैं ना कि तू कर तो सही तेरी नीयत साफ होनी चाहिए। आप यदि अगर अपनी नीयत साफ करके यदि अगर काम करोगे तो यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टीज, बट इफ यू नीयत इटसेल्फ इज रॉन्ग देन इफ यू डू वट एवर लाइक यू नो यू विल नॉट गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो सबसे पहले आप अपना स्वभाव चेंज कीजिएगा। यदि अगर आप अपना स्वभाव चेंज करोगे देन देर इज नो सेकेंड थाउट लाइक नो फेलियर, 100% यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ।